लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद प्रकट हो। ब्रह्मदेव मैं लंकापति रावण आपका आह्वान करता है। ब्रह्मदेव आपके दिए हुए वरदान की दुहाई देकर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप शीघ्र प्रकट होइए। प्रकट होइए ब्रह्मदेव, प्रकट होइए। ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव प्रकट हो। प्रकट हो ब्रह्मदेव। लंकेश बोलो। रावण ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव हमारे सम्मुख आइए। ब्रह्मदेव यज्ञ भूमि में पधारिए। ब्रह्मदेव नहीं, हम लंका की भूमि का स्पर्श नहीं करेंगे। रावण हम यहीं से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम जानते हैं तुमने हमारा आह्वान क्यों किया। ब्रह्मदेव यदि आप जानते हैं तो मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, मेरी वरदानी शक्ति को दुगना कर दीजिए। तुम जानते हो रावण, दिए गए वरदान की शक्ति बढ़ाई नहीं जा सकती। तुमने अपनी तपस्या के बल से जो वरदान प्राप्त किया था वो तुम्हारे कुकर्मों के कारण प्रभावहीन होता जा रहा है। यदि अब भी तुम अपने कर्मों को पतन की ओर ढकेलने से नहीं रोकोगे तो जो कुछ तुमने प्राप्त किया है वो सब नष्ट हो जाएगा। रावण ब्रह्मदेव, ये सब सुनने के लिए मैंने आपका आह्वान नहीं किया था। तुमने जो चाहा हमने उसी का समाधान किया, इसलिए अभी आशा छोड़ दो कि तुम्हारी वरदानी शक्ति तुम्हें मिटने से बचा सकती है। रावण क्या मुझे फिर से 10 बार अपने मस्तक इस यज्ञ की अग्नि में झोंकना होगा। ब्रह्मदेव क्या आप कभी प्रसन्न होंगे। नहीं रावण, ये तुम्हारा भ्रम है। हम केवल तुम्हारे यज्ञ करने तथा उसे मस्तकों की आहुति देने से प्रसन्न नहीं हुए। हम प्रसन्न हुए थे तुम्हारी दृढ़ता से, तुम्हारी एक निष्ठ साधना से। देवी सीता का अन्यायपूर्ण अपहरण करने के पश्चात तुम्हारी वो साधना नष्ट हो चुकी है रावण। अब जाकर भी तुम अपनी तपस्या की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। क्या इससे आपका गौरव खंडित नहीं होगा। ब्रह्मदेव तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम विवश नहीं है रावण। तुम्हारा ये व्यर्थ कलाप सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए। अब तुम्हारे सामने केवल एक ही मार्ग बचा है। यदि सर्वनाश से बचना चाहते हो तो देवी सीता को लगाकर इस युद्ध को यहीं समाप्त करो। तुम्हारा कल्याण हो। देते गुरु शुक्राचार्य हमारी सहायता कीजिए, अपने शिष्य लंकापति रावण की सहायता कीजिए। देते गुरु, देते गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो। देते गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो। देते गुरु रावण ब्रह्मा के पश्चात हमारा स्मरण करते लज्जा नहीं आई तुम्हें। जब वहां कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो तुम हमारे दैत्य गुरु होने की दुहाई देने लगे। अब तुम्हें विश्व की कोई शक्ति बचा नहीं सकती। रावण क्या दैत्यों के महान गुरु अपने सामने दैत्यों को नष्ट हो जाने देंगे। मैं भी आपका शिष्य हूं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मैं अपने बल से
आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। चाहे आप देते से मुंह मोड़ लें, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ, मैं अपने बाहुबल से ये युद्ध जीत कर रहूंगा। अब भी समय है बस, तुम्हारी प्राण रक्षा संभव है यदि तुम केवल हमारी एक बात मानो। कौन सी बात? सीता को स्वतंत्र करके राम को लौटा दो वंश, इससे तुम्हारा पक्ष प्रबल हो जाएगा और फिर तुम। नहीं, कदापि नहीं। मैं राम को परलोक पहुंचाकर सीता को लंका की पटरानी बनाऊंगा। ये मेरा प्राण है, मेरा निश्चय है। अब तुम्हारा समय निकट है रावण, तुम्हारे अंत के साथ ही होगा। बुद्धि यही विधि का विधान है। चले जाइए, सब चले जाइए, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता नहीं चाहिए। मंदोदरी, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि हमारा यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ? नहीं स्वामी, मैं आपसे ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं करना चाहती जिससे आपको कष्ट पहुंचे। जो कष्ट हमें पहुंच चुका है, तुम उसके बारे में भी जानना नहीं चाहती? मंदोदरी, हमारे आह्वान में अब भी इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा और शुक्राचार्य को आना पड़ा। स्वामी, ब्रह्मा स्वयं लंका में प्रकट हुए, ये तो शुभ संकेत है। नहीं मंदोदरी, नहीं, ब्रह्मा लंका में प्रकट होकर भी लंकेश्वर की सहायता करना नहीं चाहते तो वो हमारे शुभ चिंतक कैसे हुए? ब्रह्मा, शुक्राचार्य दोनों ने हमसे एक ही बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भी वही कहा जो तुम हमसे बार बार कहती आई हो। और तुम क्या कहती आई हो ये दोहराना हम उचित नहीं समझते। स्वामी, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, अब मैं केवल आपकी बात सुनूंगी। मैं ये अवश्य जान गई हूं कि इस समय आप निराश हैं, परंतु मेरे कहने से आपकी निराशा तो नहीं दूर होगी। मंदोदरी, तुम पहले से कितनी बुद्धिमान हो गई हो, ये देखकर हमें संतोष हुआ।